मिर्ज़ापुर सीज़न 3 रिलीज़ हो चुका है अमेजोन प्राइम वीडियो पे। अगर आप लोगों ने अभी तक ये सीरीज़ देख लिया तो आप अपना रिव्यू कमेंट में बता देना, और अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ नहीं देखा तो आप लोग कब प्लान बना रहे हो देखने का ये भी हमें कमेंट में बता देना। दरअसल मिर्ज़ापुर सीज़न 1 और सीज़न 2 बहुत ही बड़ी हिट थी अमेजोन प्राइम वीडियो पर, इसलिए इसका सीज़न 3 भी आ गया। और जिस हिसाब से सीज़न 3 आया ये भी बहुत बड़ी हिट होने वाली है और पिछले बाकी दोनों सीज़न के रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। तो इसी तो आज की वीडियो में हम मिर्ज़ापुर सीज़न के अननोन फैक्ट बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर से देख लेना और वीडियो को भी लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो फैक्ट नंबर 1 यह है कि आपने अली फजल को तो देखा ही होगा जो गुड्डू का रोल प्ले कर रहे हैं मिर्ज़ापुर सीजन में, लेकिन उनको सबसे पहले गुड्डू का रोल ऑफर नहीं हुआ था, उनको मुन्ना त्रिपाठी का रोल ऑफर किया गया था जो दिव्येंदु शर्मा करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया है कि पहले उनको दिव्येंदु शर्मा का रोल ऑफर किया गया था और बाद में ये गुड्डू पंडित का, लेकिन उन्हें गुड्डू पंडित का रोल अच्छा लगा इसलिए उन्होंने गुड्डू पंडित का रोल कर लिया। फैक्ट नंबर 2, जहाँ मिर्ज़ापुर सीजन 1 में मुन्ना के दोस्त के रोल में देखे कंपाउंडर उर्फ अभिषेक बनर्जी इस शो के कास्टिंग डायरेक्टर भी है, जिन्होंने बाकी सभी एक्टर को ही कास्ट करा है इस सीजन में। फैक्ट नंबर 3, प्रोडक्शन टीम ने कालीन भैया के धंधे के लिए फेक अफीम का इस्तेमाल किया था इस सीरीज में, इसे बर्फी के नाम से बुलाया गया है। इस टीम ने ऐसी दो तरह की अफीमें तैयार की थी, इसका एक प्रकार काली मिट्टी वही दूसरा प्रकार डार्क चॉकलेट और दूध से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 4, मिर्ज़ापुर में कालीन भैया का किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी ने वेब सीरीज के रिलीज होने के 1.5 साल तक इस शो को देखा नहीं था। पंकज जी अपने बिजी शेड्यूल के कारण ये शो देखा नहीं था। जब लॉकडाउन लगा था तब सारे लोग फ्री हो गए थे, तब उन्होंने ये शो पहली बार देखा था। अखंडानंद त्रिपाठी के घर के शॉर्ट वाराणसी के मोती झील में शूट हुए थे। प्रोडक्शन टीम ने 10 दिनों के अंदर हवेली को त्रिपाठी खानदान की हवेली के रूप में तैयार कर लिया था। और आखिरी फैक्ट यह है कि बबलू ब्लैक डायरी, जिस सीजन 2 में भी गोलू के पास दिखाया गया था, इस डायरी पर काफी बड़े अक्षरों में टी लिखा हुआ था जिसका मतलब त्रिपाठी है, इसे प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने क्रिएटिव डिस्कशन के बाद कस्टमाइज कराया था। तो वैसे आप लोग हमें कमेंट में बताओ मिर्ज़ापुर सीजन 3 आपको कैसे लगी, और इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आप अपना मिर्ज़ापुर सीजन 3 का फेवरेट कैरेक्टर भी कमेंट में बता